राधे राधे। श्री कृष्ण आपका स्वागत है। आज लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा मुकुट लेके आए हैं। देखिए सबसे पहले दिखाती हूँ आपको ये ड्रेस की, ये ड्रेस क्या है और इसके ऊपर हम बहुत ही प्यारा सा मुकुट लेके आएंगे कि मैंने कितनी सुंदर ये ड्रेस बनकर रेडी हुई है और ये बहुत ही प्यारी कलर है ड्रेस। तो आइए इसके लिए हम मुकुट बनाते हैं। तो मुकुट भी फ्रेंड्स देखिए ड्रेस जैसा ही होना चाहिए क्योंकि जैसी ड्रेस है ब्यूटीफुल सी वैसे ही हमारा मुकुट होना चाहिए। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। तो आइए देखिए मुकुट भी फ्रेंड्स हमारा कैसा है। मुकुट भी हमारा फ्रेंड्स ऐसा है, मुकुट बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ड्रेस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ऑरेंज व्हाइट ग्रीन और मैंने नीचे बेस दिया है व्हाइट का और ये थोड़ी सी इसकी जो मैंने ड्रेस पे यहाँ पे पेस्ट की थी वही लेस मैंने यहाँ पर लगाई है और मोती भी पेन ड्रेस से पेस्ट किए थे तो वो मैंने यहाँ पर लगाई। देखिए बिल्कुल सिंपल है और ये देखिए मेरी ड्रेस, ये जो मुकुट भी है ये बहुत ही खूबसूरत। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राधे राधे की कमेंट शुरू करेंगे। आइए मुकुट बनाना स्टार्ट करते हैं अपने थ्री ब्यूटीफुल कलर से। देखिए फ्रेंड्स ये ब्यूटीफुल से कलर लेकर आई हूँ मैं और ये यहाँ पर व्हाइट ऑरेंज ग्रीन है और इससे अभी मैंने कुछ ड्रेस डाली थी, अब मैं इसका मुकुट बनाने जा रही हूँ। तो मुकुट बनाने के लिए हम वही व्हाइट का बेस स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को टाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना व्हाइट का बेस तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी इसमें वूल में देखिए इस तरह से इकट्ठे करते हुए यहाँ पर मैं अपने 60 पदे डालूंगी क्योंकि ये मेरी 6 नंबर कान्हा जी की वूल है। अगर आप यहाँ पर जो चैन होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फ्रेंड्स हम यहाँ पर 30 चैन हम यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए जो हमारे यहाँ पर एक नंबर साइज के होते हैं उसके लिए बनाते हैं और फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पर दो नंबर ठाकुर जी के लिए हम यहाँ 35 कर लेते हैं 5 और हम यहाँ पर फिर उसके बाद हम थ्री नंबर के लिए 30, 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे यहाँ 40 हो गए और यहाँ पर 5 नंबर के लिए 50 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे ये 50 हो गए पर हमें अभी यहाँ पर अपने 60 बनाने हैं 1, 2, 3। हम यहाँ 55 भी ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 3, 4, 5 लेके और यहाँ पर देखिए अब देखिए इसको आप ऐसे करके देख लीजिए ये एक मेजरमेंट हो जाता है। ये आप यहाँ पर इस तरह से देखिए इसका मिड लीजिए, ये मिड है आपका और ये मिड करते हुए यहाँ पर आपके नीचे जितना बेस आएगा आपको ये इस तरह से टर्न ओवर करना है। ठीक है तो मैं यहाँ पर अभी मेरे यहाँ पर 55 है तो मैं यहाँ पर 60 ले रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 60 मैंने यहाँ पर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 3 में एक्स्ट्रा लूंगी 1, 2, 3। अब हमें ये 60 की यहाँ पर 3 को छोड़कर जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं उससे पहले हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मेरे 60 का डबल क्रोशिया है तो 60 और ऊपर भी इसके 60 तो यहाँ पर हम तीन बार रिपीट करेंगे इसको डबल क्रोशिया को 60 के 60। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 60 लेंगे और 60 ही हम ऊपर तक इसके 3 राउंड ये डबल क्रोशिया देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमें सिंपल सा डबल क्रोशिया बनाना है और ऊपर तक ऐसे ही लेके जाना है 3 राउंड कम्प्लीट करना है। फ्रेंड्स ये वर्क मेरा कुछ इस तरह से फिनिश हो गया है। यहाँ पर देखिए 60 बन गए हैं और ये देखिए इस तरह से पूरी पट्टी बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसको धागे इसी क्रोशिया से ही इस धागे को निकालते हैं और यहाँ पर अपना धागा कट कर देते हैं। इसको हम ऐसे ही यहाँ पर रफली मतलब ऐसे यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर इस धागे को हम अंदर से एडजस्ट कर देंगे। देखिए ये फ्रेंड्स हमें व्हाइट का खत्म हो चुका। अब देखिए ये वाला पोर्शन जो हमने बड़ा बनाया था ये वाला नीचे देंगे और ये ऊपर। तो ये हमारा पगड़ी का कुछ दोनों ही हमें सेम इक्वल लेनी है और इक्वल लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरह से और ये इस तरह से अटैच करनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये इस देखिए ये हमें बहुत इतनी हमें फाइव नंबर करना चाहिए वो ये इतनी होती है तो ये हमें यहाँ अटैच करेंगे ये हमारी यहाँ पर। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर धागा लगाएंगे सुई धागे से सिलूंगी मैं भी अभी मैं आपको उसको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ऑरेंज का वर्क करते हैं। तो ये जो मैंने ऑरेंज का धागा लिया हुआ था हम यहाँ ऑरेंज का वर्क करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने एक मैजिक रिंग बना लेते हैं। मैजिक रिंग हमेशा आपको पता ही होगा जो उंगलियों से बनती है और यहाँ पर ऐसे करते हुए हमने धागे को
ऐसे यहाँ देखिए, दोबारा देखिए बताती हूँ, यहाँ से लिया ऐसे पकड़ा और दोनों फिंगर को लेते हुए यहाँ पर इसको फिर से अंगूठे से पकड़ा और फिर से इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से लेते हुए यहाँ से पूरा कुशन लेते हुए हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया और फ्रेंड्स इसको हमें ऐसे ही पकड़ना है। ये हमारी मैजिक रिंग हो गई है। तो मैजिक रिंग का मतलब क्या है कि जब हम धागा खींचेंगे तो ये रिंग हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से अपनी तीन चैन बनानी है, 1, 2, 3 चैन बना ली और यहाँ पर हम अपने इस तरह से इसको हम यहाँ पर वर्क को बनेंगे अपना। 1 जो हमारा 1 पहले हो गया तो ये 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। हमने यहाँ पर अपने 12 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। फिर इस रिंग को फ्रेंड्स जो ये धागा है मेरा उसको हम खींच देते हैं टाइट किए से, ऐसे करके देखिए। इसका मैजिक रिंग का मतलब ये है कि इसको टाइट खींचेंगे और ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, एक हमारा रिंग बन गया ये इस तरह से। अब ये जो हमारा रिंग है इस तरह से रहेगा। अब हम यहाँ पर इसको अब इसे यहाँ पर फिर से 3 की चैन बनाते हुए इसके 1, 2, 3 की चैन बनाते हुए हम इसके ऊपर बनाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपने फर्स्ट वाले पोर्शन में ये जो फर्स्ट की चैन है उसको छोड़ेंगे और बैक वाले से लेंगे। तो जैसे हम लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ही फर्स्ट वाले से ही अपना लेते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर चैन थी और सेकंड ये हो गया। तो हम हर यहाँ पर थर्ड से सेकंड वाला है, सेकंड वाले में 1 टाइम्स और थर्ड वाले फिर से 2 टाइम्स अपना यहाँ पर डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक में हम 1 टाइम्स और सेकेंड में हम 2 टाइम्स। तो ये हमें इस तरह से एक ही पोर्शन में बनाना है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा ताकि आपकी इसमें बाउंड्री आपको मिल जाए। और वो उधर का साइड यहाँ पर इधर बैक है और उधर आपका फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पर 1 टाइम्स और इधर यहाँ पर आपको 2 टाइम्स। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये मेरा राउंड बस कम्प्लीट होने वाला है। यहाँ से लिया और ये यहाँ से इसके बैक साइड से लेना और 1 में हमने 1 टाइम्स, सेकंड में हमने 2 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से करते हुए वर्क के एंड में पहुंच चुके हैं। ये वर्क का एंड है, यहाँ पर लेते हुए हम इसको ऐसे पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे पास ये इस तरह से आ चुके हैं, ये यहाँ पे मोर पंखी सी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर 1 राउंड और करना है, फिर हम यहाँ 1, 2, 3 की हम फिर से यहाँ पर चैन बनाएंगे और अब की बार फिर से हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए यहाँ पर फर्स्ट में हम यहाँ पर 2 बार करेंगे और सेकंड में यहाँ पर 1 बार, थर्ड में भी आप 1 टाइम्स करेंगे, फोर्थ में 2 टाइम्स। तो यहाँ पर इस तरह से 2 बार, फिर फर्स्ट एक 1 बार और उसके बाद फिर थर्ड वाले में यहाँ पर 2 टाइम्स। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी थर्ड राउंड है और ये थर्ड राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक मैजिक रिंग से एक बनाया, 1, 2, 3, 4। इससे मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 लिए थे, इससे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर 10 लिए हैं और ये 1, 2, 3। तो 3 से ऐसे ही ऐसे आएगा ये और ये यहाँ पर तिरंगे की बेस से आएगा। और अब हमें यहाँ पर ये लेना है, कहते हैं ग्रीन, तो ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन। तो मैं ग्रीन का देखिए आपको बता रही हूँ, सिर्फ हमें यहाँ पर ये मैजिक रिंग बनाना है। सबसे पहले इस तरह से पकड़ते हुए 2 फिंगर के अंदर से ही इसे ऐसे लेना है और यहाँ से मैजिक रिंग निकालना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ लेना है और धागे को बस यहाँ पर, और ये धागा ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फिर से वही 3 की चैन बनानी है, 1, 2, 3। 3 की चैन बनाई और यहाँ पर इसको हम फिल करेंगे 12 अपने यहाँ पर सिर्फ 8 डबल क्रोशिया से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने यहाँ पर इसको 8 से फिल किया क्योंकि हमने यहाँ पे पहला 12 करे उसके बाद 10 और ये देखिए 8 से हमने यहाँ पर फिल। ठीक है, इसको हम टाइट भी कर लेते हैं बहुत। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वर्क करना है। वर्क वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था आपको।
यहाँ पर इसके ऊपर हम तीन की चैन लेंगे, 1, 2, 3 की चैन लेंगे और इसको हम फर्स्ट वाले में इसको यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया लेंगे, सेकंड वाले में 1 टाइम डबल क्रोशिया और थर्ड वाले में फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स इसी वाले में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट में 1 टाइम्स डबल क्रोशिया और यहाँ पर सेकेंड वाले में फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया, फर्स्ट में फिर 1 टाइम्स, सेकेंड में फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को अपना से ही कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में यहाँ पर एक मेरा सिंगल डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए वर्क को डन करते हैं, फिर से 1, 2, 3 की चैन और फिर से हम यहाँ पर अगली बार, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पर 1, 2, 3 तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ देखिए अब हमें यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर मेरी 2 की डबल क्रोशिया बन पाए हैं, क्योंकि ये अदरवाइज हमारा ये जो है फेस नहीं चमकेगा। इस तरह से हमें चमकना चाहिए ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपना ये बनाऊंगी और अब मैंने यहाँ पर इसको वर्क को फिनिश करना है यहीं पर ही, इसे आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप इसमें चाहें तो मैं इसमें यहाँ पर कंगूरे देखिए 1, 2, 3 करते फिर उसी चैन में जाते हुए इसको ऐसे कंगूरे मारिए, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल चैन से 1, 2, 3 और फिर वापस इसी में जाएंगे यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर सिंगल चैन, फिर देखिए हम इसमें जाएंगे नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3 और यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच से जाएंगे। बहुत सिंपल है और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अब देखिए फिर से जाएंगे हम नेक्स्ट वाले में, स्लिप स्टिच से जाना है हमें, कोई यहाँ पर लूप नहीं लेना है, फिर उसके बाद सिंपल चैन 1, 2, 3 और सिंपल यहाँ पर वापस उसी में जाते हुए इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और इसको देखिए मैं इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से ये कंगूरे से बनकर आएंगे। ठीक है, मैं इसे कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये तीनों ये इस तरह से ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन इस तरह से पैक आ गया है, पूरा बहुत बल्की बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये तो मैं अपनी साइड में करती हूँ, कुछ उसमें मुझे मोती चाहिए तो मोती मैंने ले लिए हैं और अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी जो ये कैप थी जो मैंने सिंगल बनाई थी, सिंगल प्लेन पट्टी बनाई थी, उसको मैंने इसके अंदर ऐसे करते हुए इसे फोल्ड कर देखिए ये सिंगल बनाई थी और पहले सबसे पहले हम यहाँ पर टैग का टक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसको एक साथ ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ भूल से ही कर रही हूँ क्योंकि पेस्ट करने से बेटर है आप यहाँ पर इसको पहले पूरा टक कर लें। इस तरह से आप टक कर लेंगे तो आपको ये पीछे बनाने में आसानी होती है। अब इसे पीछे बनाएंगे तो हम यहाँ पे इसके जाएंगे और ये इसको इस तरह से करेंगे देखिए फ्रेंड्स और इसको इस तरह से दोनों को अंदर के साइड की रखना है और ये दोनों को हमें इस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ से अपना मिड में से अपने पार्ट को कम्प्लीट करके चलना देखिए। यहाँ से आप देखिए दोनों की साइड डालेंगे ना इसके अंदर तो आपके पास यहाँ पे मिड में जिंदे बचेगी। इस तरह से डालेंगे आप यहाँ पर इसको पीछे से बैक से पकड़ लीजिए आप और अब देखिए इस तरह से आएगा और अब हमें बीच वाले पोर्शन को अपना इजीली बहुत टाइट हाथ से नहीं इनको अपना आपको ये ऐसे करते हुए बंद करना है। रखे नीचे वाला पोर्शन ना आए, ऐसे करते हुए इसको बंद करते हुए हमें यहाँ पर सुई धागे की सहायता से इसको कंप्लीट करना है। मैंने वूल इसीलिए लिए ताकि इसमें ना तो चमकेगी और आपको ये वूल से इजीली समझ में मिलेगा। अब उसके बाद हम ये इधर वाला पोर्शन करेंगे, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब ये भी यहाँ साइड में पोर्शन होता है हम इसको भी कट कर देंगे ऐसे करते हैं एक एक से नीचे और ऐसे करते हैं इसको। फ्रेंड्स ध्यान रखना है बहुत टाइट हाथ से नहीं बंद करना है, हल्की ही हाथ से बंद करना है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से बंद हो गया इजीली। देखिए इतना हमारे 6 नंबर का नज के लिए बहुत है। अब नीचे के साइड से जाते हुए यहाँ पर जाएंगे पहले और यहाँ पर उसके बाद फिर एक और लंबा धागा लेते हुए
यहाँ पीछे की साइड से ऐसे करते हुए मैं नीचे की साइड निकल जाऊंगी ताकि ये वाला पोर्शन भी मेरा कवर हो जाए। देखिए मैंने बिल्कुल पूरा सिल के आपको बता दिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सबसे पहले एक पोर्शन सिला, फिर दूसरा, फिर उसके बाद ये देखिए मैं बाद इधर भी, ये जो मेरा इधर का पोर्शन है मैं उसको भी ऐसे ही करते हुए सिल रही हूँ। कोई भी बस ये ध्यान रखना है बहुत टाइटली नहीं कराना है, ये आपको थोड़ा सा इजी ही रखना है, दूर सही रखना है, ठीक है। ये तो आपको कैप बनाने में दिक्कत होती है। अब देखिए ये हमारा पोर्शन बनकर रेडी हो चुका है, ये इस तरह से हमारी कैप बन गई है। आप चाहे तो इसको सिंपल भी ऐसे भी बना सकते हैं, पर देखिए यहाँ पर ये थोड़ी खाली लगी तो मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। पहले मैं यहाँ देखिए इसके जो धागे हैं उनको मैं पीछे के साइड करते हुए इनको निकाल दी हूँ। देखिए हम यहाँ पर पीछे कहीं भी ले जाएंगे इन धागों को और ऐसे करते हुए इन्हें एडजस्ट कर लेंगे। आपको क्रोशे की सहायता से करने बहुत अच्छा रहता है। और फिर ये धागे इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को ले जाइए ताकि आपके धागे धागे साइड ना चमके और ये अंदर से कट भी हो जाए। एक्स्ट्रा धागे हम कट कर देते हैं क्योंकि हमारी यहाँ नोट लग चुकी है, अभी कुछ नहीं कटेगा। ऐसे ही हमें तीनों को अपना इनको बनाना है। ये धागे तीनों कट कर रहे हैं, इन तीनों को इकट्ठे ले लिया और मैंने इसमें धागा ज्वाइन था मेरा पहले से ही और मैंने ये इसमें ऐसे डाल लिया, ठीक है। आप देखिए हमें यहाँ पर ये इस तरह से ज्वाइन करना है, ऊपर एक पूरा मुकुट मेरा बन जाएगा और ऐसे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मिड में आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है साइड में ना लेके मैं यहाँ पर मिड में लगाऊंगी, थोड़ा सा ऐसे करते हुए यहाँ पर तीनों पोर्शन को लेते हुए लगाना है। थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल होगा बट ये लग जाएगा आराम से, धागे से ही करें टेस्ट ना करें। और इसमें मैं मोती लगाऊंगी अपना है, करते हुए तीनों पोर्शन को ऐसे करते हुए ले लीजिए इकट्ठे, क्योंकि तीनों को लेना ही जरूरी है नहीं तो आपकी जो कैप है वो इस तरह से आती है। ये लीजिए और नीचे का व्हाइट पोर्शन भी लीजिए और ये ऑरेंज भी, तीनों को लेते हुए हमें यहाँ पर टक करना है। ये ऐसे आएगा और अब हमें ऐसे ही टक करते हुए अपना उधर पहुंचना है, यहाँ ऑरेंज से करते हुए इसको पक्का कर लीजिए। यही धागा इसी धागे से हम नीचे की साइड से ले आते हुए यहीं से ले जाएंगे और यहाँ पर इधर की साइड ले आएंगे और अब हमें ये इधर की तीनों ये जो लेब्स है हमारी ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट तीनों को लेते हुए हमें इकट्ठा ही इसको बंद ऐसे करना है, क्योंकि अगर हम तीनों को नहीं लेंगे तो ये फिनिशिंग नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पर तीनों को लेते हुए इसको फिनिशिंग देते हुए यहीं पर ऐसे ही कट करना है। इसको हमें बस अब देखिए ये हमारी कैप अपनी सिंपल ये हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस पर यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इस पर मोती लगा दे रही हूँ, ये इसी सुई धागे से इसी से मैं यहाँ पर अपनी मोती लगाऊंगी। जो कि आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं, मेरे पास मोती थे तो मैंने मोती लगा दिए। ये इस तरह से यहाँ पर टक कर लगा दीजिए बिल्कुल ऐसे करते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत कैप बनी है ये, बहुत ही प्यारी लगेगी और देखिए ड्रेस के साथ तो ये कैप बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं दिखाऊंगी आपको ड्रेस, क्योंकि हमने जो ड्रेस बनाई है उसके साथ ये ड्रेस की कैप जाएगी और तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पर अपने मोती दो तीसरे में दो दो चैन छोड़ के थर्ड वाले में अपना मोती यहाँ पर लगाऊंगी ऐसे करते हुए। आप भी लगाई मैं भी लगाती हूँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत रहेगी इस तरह से। आप भी लगाइए मैं भी लगाती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको लूज लगता है तो आप यहाँ पर व्हाइट को भी हल्का सा ऐसे करते हुए टच कर सकते हैं नीचे की साइड से। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये मेरा डेकोरेशन हो चुका है। अब देखिए ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इस तरह से डेकोरेट करना है, ये इस तरह से आएगी और देखिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से फेविक्रिल
ग्लू आता है ये बहुत आसानी मार्केट में मिल जाता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर इसे चिपकाऊंगी। देखिए ऐसे करते हुए यहाँ पर अपनी पूरी लाइन लेते हुए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मैंने लिया स्टार्टिंग की और ये यहाँ से इस कैप कैप की जो जो बचावट है वो कितनी बढ़ गई है। और यहाँ पर लेते हुए मैंने इसको अंदर की साइड करते हुए इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करते कर देना है। देखिए इसकी इस तरह से आ चुकी है। या फ्रेंड्स आप इसको मैं यहाँ पर भी ऊपर भी कर लीजिए। देखिए ऐसे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ देखिए मेरी कैप बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस बनकर जो कैप है वो कैप बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत पीछे से भी और आगे से भी बिल्कुल सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ आपको ध्यान से बनानी है, यहाँ पर इसमें कोई भी ताम झाम ऐसा नहीं है। बस मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। आप देखिए इस तरह से आपकी कोई भी कैप किसी भी नंबर का के लिए बना सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर आपको यहाँ पर एक नंबर का चाहिए तो 27 और टू नंबर के लिए 30, फिर ऐसे थ्री नंबर के लिए 35, 40 और उसके बाद फोर नंबर के लिए भी आप यहाँ पर 40 चैन रख सकते हैं, 5 नंबर के लिए 50 और 6 नंबर के लिए 60। और तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर के लिए बनाई, तो ये मेरी 60 चैन है और ये 60 चैन से मेरा बहुत सुंदर सा मुकुट बनकर रेडी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी ब्यूटीफुल सी ड्रेस भी बनकर रेडी है और उस पर ये ब्यूटीफुल सा मुकुट जाएगा। देखिए ये इस तरह से ये मेरी ड्रेस है और ये मेरा ब्यूटीफुल सा मुकुट है। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर 6 नंबर काना जी के लिए ड्रेस बनकर रेडी है। अगर आपको ड्रेस पसंद आई हो, मेरी बनाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।